बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप सो विल बी फाइन। टुडे 18th अगस्त 2020, ट्यूसडे, लेक्चर नंबर 29 एंड योर डायरी इज रीडिंग यूनिट नंबर 5, बुक पेज 90½ प्लस एक्सरसाइज क्वेश्चन 3 पार्ट 1½ लर्न। सो ओपन योर बुक पेज नंबर 90 एंड लेट स्टार्ट योर लेक्चर। तो यूनिट नंबर 9 है आप लोगों का फोर्सेस एंड मशीन्स। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि फोर्स क्या होती है और मशीन्स। सबसे पहले हम मशीन्स के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर उन्होंने मशीन्स के बारे में बताया है कि मशीन क्या होती है। कोई भी चीज़ जो हमारे काम में आसानी पैदा करे उसको हम मशीन कह देते हैं। अगर कोई आपसे मशीन की डेफिनेशन पूछे तो कोई भी चीज़ जो हमारे काम में आसानी पैदा करे उसको मशीन कहते हैं। अब मशीन्स की भी टाइप्स होती हैं। अब सिंपलर मशीन्स भी होती हैं और कॉम्प्लेक्स मशीन्स भी होती हैं। सबसे पहले हम मशीन्स का देखते हैं। वी नो डैट अ मशीन इज़ एनीथिंग डैट मेक्स आवर वर्क सिंपलर एंड ईजियर। हम जानते हैं कि मशीन ऐसी चीज़ है जो हमारे काम को आसान और सादा बनाती है। अ सिंपल मशीन इज़ अ सिंपल टूल यूज टू मेक आवर वर्क ईजियर। अब एक सिंपल मशीन होती है और एक कॉम्प्लेक्स मशीन। अब सिंपल मशीन है इज़ अ सिंपल टूल यूज टू मेक आवर वर्क ईजियर। वो एक टूल की तरह, एक औजार की तरह होती है जो हमारे काम में आसानी पैदा करती है, जैसे कि लीवर, व्हील एंड एक्सल, पुली, इंक्लाइन प्लेन, वेज एंड स्क्रू आर सिंपल मशीन्स। ये सारा आप लोगों ने 5 क्लास में और 4 क्लास साइंस में भी पढ़ा हुआ है। इन ये सारी एग्जांपल, ये सिंपल मशीन जो है उसमें लीवर आता है, व्हील एंड एक्सल, पुली, इंक्लाइन प्लेन, वेज एंड स्क्रू, ये सारी की सारी सिंपल मशीन्स हैं और ये एक टूल की तरह होती हैं। ठीक है, सिंपली टूल की तरह होती हैं और हमारे काम को आसान बनाती हैं। अब दूसरी तरह की मशीन्स हैं कॉम्प्लेक्स मशीन, जैसे कि ट्रैक्टर, कार्स एंड फैंस आर मेड ऑफ सिंपल मशीन्स। कॉम्प्लेक्स मशीन कहते हैं जो सिंपल मशीन के मिलने से बनती है। जब सिंपल मशीन जो है उनको आपस में हम जोड़ते हैं, उनके जोड़ने से हम एक न्यू चीज़, एक न्यू कॉम्प्लेक्स बना देते हैं, उस चीज़ को कॉम्प्लेक्स मशीन कहते हैं। जैसे कि ट्रैक्टर्स हैं, कार्स हैं, फैंस हैं, ये सारी की सारी कॉम्प्लेक्स मशीन्स हैं और ये सिंपल मशीन के मिलने से ही बनती हैं। वी हैव लर्न अबाउट लीवर, इंक्लाइन प्लेन एंड वेज इन क्लास 5। कहते हैं कि लीवर के बारे में, इंक्लाइन प्लेन और वेज के बारे में हम लोग क्लास 5 में पढ़ चुके हैं। हेयर वी शैल डिस्कस व्हील एंड एक्सल, पुली एंड गेयर। यहाँ पर हम लोग व्हील को डिस्कस करेंगे, एक्सल को, पुली को और गेयर्स को। मैं लीवर के बारे में आप लोगों को थोड़ा सा बता देती हूँ कि लीवर हमारे पास किस तरह से काम करता है। जैसे कि हमारे पास ये दरवाजे का कब्जा नहीं होता तो वो चीज़ों को मूव करवाने के लिए, ठीक है, एक सेंट्रल पॉइंट होता है। जैसे सी सा की एग्जांपल ले लें कि दरमियान में एक सेंट्रल पॉइंट होता है और दोनों साइड्स पे वो बैठे होते हैं लोड को उठाने के लिए। इंक्लाइंड प्लेन है, ये भी लोड वगैरह को उठाने के लिए। अब वेजेस हमारे पास ये जितने भी ये स्टील के औजार नहीं आते जिसमें ये हमारे पास फोक वगैरह आ जाते हैं, वो सारे के सारे वेजेस में आते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस करना है व्हील और एक्सल को। व्हील के बारे में आप लोगों को पहले पता है, व्हील कहते हैं पहिए को, जैसे आप लोग अक्सर ही देखते हैं। अब एक्सल क्या होता है? द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्वेंशन ऑफ द ह्यूमन हिस्ट्री इज़ द इन्वेंशन ऑफ द व्हील। कहने जो इंसान ने जितनी भी दरियाफ्तें की हैं, जो सबसे अहम दरियाफ्त है वो व्हील की दरियाफ्त है। व्हील कैन मूव हैवी ऑब्जेक्ट्स ईजिली। व्हील का काम क्या होता है? जो ज़्यादा वजनी ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना, जो हम उठा नहीं सकते, उनको व्हील की मदद से हम आसानी से उठा सकते हैं। जैसे यहाँ पर डायग्राम देखें, डायग्राम में ये देखें, ये वाली जो चीज़ है, ये वाला पॉइंट, ये एक्सल है और ये इस तरह सर्कल की फॉर्म में ये हमारे पास है व्हील, ठीक है। और यहाँ पे नीचे उन्होंने ये वाली रस्सी बांध के तो ये उन्होंने एक लोड को उठाया हुआ है। यहाँ पे देखें, लोड को उठाया हुआ है व्हील एक्सल की मदद से। व्हील्स आर यूज इन अ सिंपल मशीन कॉल्ड व्हील एंड एक्सल। जो व्हील्स हैं उनको सिंपल मशीन में हम किस तरह यूज़ करते हैं? व्हील और एक्सल के तौर पे, यानी कि ये व्हील और ये एक्सल, ये सिंपल मशीन में आते हैं और ये जब दोनों मिलते हैं व्हील तो हमारे पास व्हील्स एंड एक्सल आते हैं। इससे हमारे पास अब हैवी ऑब्जेक्ट जो कोई भी है उसको आसानी से उठा सकते हैं। अ व्हील एंड एक्सल कंसिस्ट ऑफ अ लार्ज व्हील फिक्स्ड टू अ स्मॉलर व्हील्ड कॉल्ड द एक्सल। अब व्हील और एक्सल हमारे पास क्या है? कहते हैं कंसिस्ट ऑफ अ लार्ज व्हील। एक लार्ज बड़ा सा पहिया होता है, वो फिक्स हुआ होता है टू स्मॉलर व्हील्स कॉल्ड द एक्सल। ये एक छोटे से पहिए के साथ, ये वाला जो, ये वाली जो चीज़ है ना, इसके साथ ये एक बड़ा सा पहिया फिक्स है, ठीक है,
इसको हम क्या कहते हैं, इस तरह की जो मशीन हमारे पास बनती है उसको व्हील एंड एक्सल बोलते हैं, कि हमारे पास एक लार्ज व्हील जो है, ठीक है, वो फिक्स है एक छोटे से व्हील के साथ, जिसको एक्सल बोलते हैं। तो जब ये मिलते हैं तो हमारे पास व्हील और एक्सल बनते हैं। When the wheel turns, the axle also turns. जब व्हील मूव करता है तो एक्सल भी साथ ही मूव करता है। नेक्स्ट है, व्हील हैज़ बिगर डायामीटर देन डैट ऑफ द एक्सल। अब व्हील का डायामीटर जो है हमारे पास और एक्सल का डायामीटर, इन दोनों में हमने डिफरेंस देखना है। क्या है कि अ व्हील हैज़ बिगर डायामीटर देन डैट ऑफ एक्सल, एक्सल की नस्बत जो व्हील है उसका डायामीटर हमारे पास ज़्यादा होता है। अब डायामीटर यहाँ पे देखें, ये हमारे पास एक्सल है और ये हमारे पास व्हील है, इसका डायामीटर और इसका डायामीटर दोनों में डिफरेंस है, तो व्हील का डायामीटर हमेशा हमारे पास ज़्यादा होगा। वी यूज़ व्हील एंड एक्सल इन टू वेज। आगे उन्होंने यूजेस बताए हुए हैं, व्हील और एक्सल को हम दो तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसके और भी बड़े यूजेज़ हैं। टू लिफ्ट अ हैवी लोड, हमने कोई भी वजन उठाना हो, वी अप्लाई फोर्स ऑन द व्हील टू टर्न द एक्सल। हम व्हील के ऊपर फोर्स लगाते हैं, यहाँ पे व्हील के ऊपर फोर्स लगाएंगे, ठीक है, इसको ऐसे फोर्स लगाएंगे तो हमारे पास एक्सल जो है वो घूमेगा। तो हमने कोई भी हैवी लोड उठाना हो तो हम व्हील के ऊपर फोर्स लगाते हैं और हमारे पास एक्सल जो है वो घूमता है। टू इंक्रीज द स्पीड वी अप्लाई फोर्स ऑन द एक्सल टू टर्न द व्हील। तो यहाँ पे कहते हैं कि अगर हमने स्पीड को इंक्रीज़ करना हो तो हम फिर भी एक्सल के ऊपर फोर्स लगाएंगे ताकि हमारे पास जो है व्हील वो घूम सके। टू इंक्रीज द स्पीड वी अप्लाई फोर्स ऑन द एक्सल टू टर्न द व्हील, हम एक्सल के ऊपर फोर्स लगाएंगे ताकि हमारे पास जो है ये व्हील इसकी स्पीड तेज़ हो सके। यहाँ पे देखें उनका है, अ व्हील हैज़ बिगर डायमीटर देन डैट ऑफ द एक्सल। तो जो हमारे पास व्हील होता है उसका डायमीटर बिगर है किसकी नस्बत, एक्सल की नस्बत, ये वही वाली बात उन्होंने बताई हुई है। नेक्स्ट है, अ स्क्रू ड्राइवर इज़ एन एग्जांपल ऑफ व्हील एंड एक्सल। अब ये जो स्क्रू ड्राइवर है, ठीक है, जिसको आप लोग पेचकस भी बोलते हैं, ये भी हमारे पास व्हील एंड एक्सल की एग्जाम्पल है। द ब्रॉड पार्ट ऑफ द स्क्रू ड्राइवर वर्क एज ए व्हील, इसका जो ब्रॉड पार्ट है ये वाला, ये व्हील के तौर पे एक्ट कर रहा है। द नैरो पार्ट ऑफ इट एक्ट्स एज अ एक्सल, और इसका ये वाला जो पार्ट है नैरो थिन पार्ट, ये एक्सल के तौर पे काम कर रहा है। अ स्मॉल फोर्स ऑन व्हील प्रोवाइड्स अ बिगर फोर्स एट द एक्सल टू पुश द स्क्रू इनटू द वुड। अगर आप लोगों ने इसको मतलब लकड़ी के अंदर ऐसे आप लोगों ने इसको कोई चीज़ फिक्स करनी है तो आप क्या करेंगे, व्हील के ऊपर फोर्स लगाएंगे। अ स्मॉल फोर्स ऑन व्हील प्रोवाइड्स अ बिगर फोर्स, थोड़ी सी व्हील इसके ऊपर लगाएंगे और आगे से ये जो है ये वुड के ऊपर फोर्स लगाएगा, ठीक है। ये इसी तरह हमारे पास व्हील और एक्सल काम करते हैं। आज के लेक्चर में हम जस्ट इतना ही पढ़ेंगे, साथ में आप लोगों का मैंने कहा था कि जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो वाला भी होगा, तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन हाफ इसमें आ रहा है, वो हाफ आप लोगों ने आज वाले लेक्चर में ही लर्न कर लेना है, बाकी जो हाफ है वो हम लोग नेक्स्ट लर्न करेंगे। सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखें, राइट सम यूजेज ऑफ अ व्हील एंड एक्सल इन आवर डेली लाइफ, के हमारी डेली लाइफ में व्हील और एक्सल के जो यूजेज हैं उनको आप लोगों ने राइट करना है, तो वो हम लोग देखते हैं। वी यूज़ व्हील एंड एक्सल इन टू वेज, यहाँ से आप लोगों का क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। आप लोगों ने आज जो याद करना है वो इतना है हाफ, ठीक है, इतना आप लोगों ने ये सारे का सारा लर्न करना है, ये हाफ है। बाकी जो मार्क करवाना है वो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे और साथ ही मैं आप लोगों को मार्क करवा दूंगी। इतना आप लोगों ने जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन 3 है ये हाफ बन रहा है, इतना आप लोगों ने याद करना है। आई होप सो यू अंडरस्टैंड द लेक्चर। जज़ाकअल्लाह।